नवोदय प्लस टाइम्स के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं शिल्पी सेन। आइए डालते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र की इस ताजातरीन खबर पर एक नजर। भारतीय सुनार महासभा ने अजय सोनी प्रकरण मामले में सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। झांसी में आज भारतीय सुनार महासभा ने जिला अधिकारी को ज्ञापन देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अजय सोनी मामले में सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। बताते चलें कि बरुआ सागर निवासी अजय सोनी को एक मामले में थाना नवाबाद पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था। पुलिस के अनुसार अजय सोनी फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला गया था, उसी दरमियान उसने अपने आप को फांसी लगाने की कोशिश की थी। पुलिस ने आनन फानन में मेडिकल कॉलेज उसे भर्ती करा दिया था, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं भारतीय सुनार महासभा का आरोप है कि नवाबाद पुलिस ने अजय सोनी के साथ मारपीट की, जिससे उसके सारी शरीर में चोटें आ गई थीं, जिसकी वजह से उसकी स्थिति मरणासन्न बनी हुई है। वह आज भी अस्पताल में वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है। भारतीय सुनार महासभा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रतिपाल सोनी ने जिला अधिकारी को ज्ञापन देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि उक्त प्रकरण की सीबीआई जांच कराई जाए, ताकि हकीकत सामने आ सके। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से ब्रजेश परिहार के साथ इसरार अहमद की रिपोर्ट। भैया क्या नाम है आपका? हेमंत सोनी। कहाँ के निवासी? बरुआ सागर। अच्छा, किस मामले को लेकर आप यहाँ पर आए हैं? अभी मैं ये 25 तारीख की घटना है, मैं इससे पहले इंस्ट्रूमेंट दे चुका हूँ, तो मेरे भाई के अजय सोनी की अभी तक वो समझ नहीं आ रहा है क्या हुआ है। मतलब वो हॉस्पिटल में पुलिस वालों ने भर्ती करवा दिया था, समझ ही नहीं आ रहा है अभी क्या चल रहा है वहाँ पर, कि सही है कि बिल्कुल। हम जाते हैं जब भी तो वहाँ पे ये लगता है कि अभी वैसे ही पड़े, जिस स्थिति में मैं देखने गया था 26 तारीख को, उस स्थिति में आज 1 तारीख हो गई है, उसी स्थिति में दिखते हैं। हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि अभी भी उनको कुछ फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं। ये डॉक्टर भी नहीं बताते हैं कि डॉक्टर बताए क्या कि थोड़ी बहुत भैया फ़र्क पड़ रहा है, हमें नहीं तो भैया मीडिया वालों को बता, किसी ना किसी को तो बताना भी चाहिए ना, बताते भी नहीं हैं। और क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे भाई का जो जैसे पुलिस ने जैसे कि मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था, तो इसी तरह अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में कहीं पर ले, पुलिस अपनी जिम्मेदारी ले, वहीं पर इलाज कराए। लेकिन हम ये सोचते हैं जितने से जल्दी जल्दी सही हो जाए, लेकिन अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा हमारा। जब भी आते हैं सिर्फ वही डेली आते हैं, सिर्फ वही देखते हैं भैया, और वेंटिलेटर लगा हुआ है तो वेंटिलेटर लगा हुआ है, कुछ भी भैया 10% भी सुधार नहीं लग रहा है हमें। हम ये सोच रहे हैं हमें सीबीआई जांच चाहिए इससे, और जो भैया जो बता रहे थे पुलिस वाले भैया फांसी लगाइए, इसकी हमें पूरी जांच चाहिए। बिल्कुल कुल मिला के ये है, मतलब जितनी चोट वोट है ना, जितनी भी लगी हुई थी, ये समझ लो अभी डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, क्या पता उसी का घाव भर रहे हैं, ये भी समझ नहीं आ रहा है। तो ये है, हमें ऊपर से ही आदेश चाहिए कुल मिला के। बस यही हम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से बाबा जी से निवेदन करते हैं, वो हमारी बात स्वीकार करें। बुंदेलखंड और देश प्रदेश की ताजातरीन खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नवोदय प्लस टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट न्यूज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए।